राजधानी में मानो हेल्थ सिस्टम ने तो दम ही तोड़ दिया है। आलम यह है कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए कैट्स एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन नहीं है, जिसके चलते कुछ मरीज तो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दे रहे हैं। जी हां, दिल्ली में इमरजेंसी सेवाओं के लिए कैट्स एम्बुलेंस 24 घंटे तैनात रहती है, लेकिन कोरोना काल में अब इन एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन नहीं है। साथ ही यदि ऑक्सीजन का कोई प्रबंध करके ये मरीज अपनी गाड़ी में ले भी जाते हैं तो कोई भी अस्पताल सरकारी एम्बुलेंस से आए मरीज को एडमिट नहीं करता है, जिसके चलते कैट्स एम्बुलेंस के अटेंडर इन मरीजों को करीब 4 से 5 घंटे तक लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूमते रहते हैं। ये बुराड़ी में दिल्ली का कोविड-19 स्पेशल अस्पताल है। बुराड़ी अस्पताल की शुरुआत कोरोना संकट के दौरान की गई थी और इसमें कोविड-19 के ही पेशेंट भर्ती हैं और यहां पर कैट्स एम्बुलेंस की गाड़ियां भी तैनात की गई हैं, लेकिन इन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है, जिसे फर्स्ट एड के तौर पर ये मरीज की जान बचा सके। इंदर जी, कितनी दिक्कतें हो रही हैं कोविड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब आप ही पूरे मरीज के साथ रहते हैं। हाँ, ये हमारा एक सिस्टम है कि ये कैट्स की एम्बुलेंस है, इस पर आप 102 पे कॉल करते हो तो हम आपके हमारे कंट्रोल रूम में कॉल जाती है, कंट्रोल रूम से कॉल हमारी डिस्पैच होती है। मतलब तो हम लोग पहले पॉजिटिव कॉन्टैक्ट में जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, हम लोग जाते हैं उस सीन पे और हम लोग को देखना पड़ता है कि पेशेंट क्या कंडीशन है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम हर एक मिनट पर कॉल आ रही है, पेशेंट को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, जब हम लेते हैं हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं है, और पेशेंट को जब हम ले भी लेते हैं बाय द वे कैसे भी करके हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है कभी कभार, तो हम ले भी लेते हैं तो हम हॉस्पिटल तक पेशेंट को लेके आते हैं, है ना। तो हॉस्पिटल में पेशेंट को लेते नहीं है, हॉस्पिटल वाले डायरेक्ट मना कर देते हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास बेड है, तो लोग हम लोग क्या लेते हैं वहाँ से पेशेंट लिया, या हम 4-5 घंटे पेशेंट को लेकर खड़े रहते हैं, वो कोई नहीं लेता। उसमें आप लोगों को सुविधा क्या दी है, क्योंकि कोविड वाले पेशेंट आते होंगे तो आपके भी बीवी बच्चे हैं, आप भी अपने घर जाते होंगे, आपकी जान भी जोखिम में रहती है। हमको ऐसे तो सुविधा के लिए उन्होंने हमें ग्लव्स सैनिटाइजर वगैरह देते हैं, वो हम यूज भी करते हैं, पीपी किट भी देते हैं। हाँ, पीपी किट भी देते हैं, लेकिन क्या फिर भी हम लोग अपनी जान को जोखिम में दे के हम लोग इस पेशेंट में कोविड में काम कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि एक बार यदि कॉल रिसीव हो तो जल्दी ही वो ड्रॉप हो जाए। हाँ, जैसे हमारे पास कॉल आती है तो हम लोग जितना जल्दी हो सके पेशेंट के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं और वहाँ से जैसे हो सके हॉस्पिटल तक लाते हैं। लेकिन ये कंडीशन हम पेशेंट पास हम तो पहुँच जाते हैं और हम ले भी लेते हैं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल से जितने भी है, आज नहीं हमने 2 दिन तक जब कोविड चला 2 दिन तक पेशेंट हॉस्पिटल तक गए, 3 दिन से पूरा सिस्टम। दिन में कितने मरीजों को आते हैं आपको? दिन में मान के चलो 12 कॉल आ जाती, तो मतलब 10-12 पेशेंट कम से कम ट्रांसफर होते हैं एक गाड़ी से। पहले इतने नहीं होते। बता दें, हर रोज एक कैट्स एम्बुलेंस के पास 10 से 12 मरीजों की कॉल आती है, लेकिन लचर हेल्थ सिस्टम के चलते मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली।